गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड देखिए, बता दूं मैं आपको, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो अब जून में नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जून और सेप्टेम्बर के बीच में होगा, लेकिन बता दूं मैं आपको, जून में अब एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीज़न बताऊँगा मैं आपको और प्रूफ वेद बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। या आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा वो अभी नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। लेकिन मैं बता दूँ ये फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट और हुआ है। ठीक है, इससे क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, और आपको जो है, जो जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, उनका जो सेकंड सीबीटी होगा वो भी टाइम पे होगा। ये मत सोचिएगा क्योंकि उसको टाइम रहता है उसका। ठीक है, फर्स्ट में अगर लेट हो रहा है इसका मतलब ये रहेगा फर्स्ट के लिए आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा लेट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो जो हमारे वीडियोस हैं सुबह सुबह 8 बजे, उसके बाद आती है 10 बजे। मैं आपको बता देता हूं, देखिए सुबह 8 बजे आती है वर्ल्ड लाइनर की, उसके बाद 10 बजे वीडियो आएगी, इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो आएगी आपको जीके जीएस की, उसके बाद 1:30 पर एक वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, ये शॉर्ट रहेगी, ये आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, ये फुल लेंथ रहते हैं, फुल लेंथ की रहेगी 10 बजे वीडियो। ठीक है, उसके बाद रहेगा 5, 5:30 बजे वीडियो। ठीक है, ये जो भी इसको भी हाफ वीडियो बोलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट रहेगी 9 बजे वाली, ये भी फुल वीडियो रहेगी, फुल लेंथ, यानी कि 100 क्वेश्चन करेंगे। ये इसका टाइमिंग नहीं है, मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा हमेशा होती है, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20, 1 घंटे 40 या 1.5 घंटे तक। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता दूँगा आपको ऐसा क्यों है। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सभी को बताया, देखिए आरआरबी जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। ठीक है भैया, ख़त्म हो चुका एग्ज़ाम, लेकिन अब उनने क्या बोल दिया, एग्ज़ाम हो गया रीशेड्यूल, सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम हो गया रीशेड्यूल, मतलब हो गया कैंसिल। अब वो कैंसिल हो गया तो उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कब से भाई, 26/6/2019 से लास्ट होगा 28/6 तक, मतलब कि ये एग्ज़ाम जो तीन दिन तक चलेगा और जून ख़त्म हो जाएगा। तो जून ख़त्म हो गया तो जून में ये एग्ज़ाम होने नहीं वाला, क्योंकि बोर्ड तो एक ही है। ठीक है, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो सेंटर्स रहते हैं वो सेंटर बिजी रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर एग्ज़ाम हो रहा है, किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम है, तो एक दो जगह नहीं होता है, वो हर स्टेट में, हर सिटी में, मतलब जहाँ जहाँ भी सेंटर होते हैं वहाँ पर होता है। तो ये सेंटर ऑलरेडी बिजी रहेंगे और जितने भी उन पर जो टीचर हैं, जो कार्यकर्ता, जो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो बिजी रहता है। तो यहाँ पर तो ये होने नहीं वाला है, ये तो कन्फर्म है। अब इसके कितने दिन बाद होगा, कब होगा, ये हमें बताना है, ये जो बात है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं डेली बेसिस पर। ये आपको जो है, मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी वो इसके क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए लगभग, तो आज भी जो रहेंगे वो थोड़े बहुत रिपीट करूंगा, लेकिन उसके बाद जो रहेंगे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत शानदार जानदार। ठीक है, तो चलिए अब एक बैक चलूंगा और बताऊंगा मैं आपको भाई, जो है डेट क्या हो सकती है, एग्ज़ाम कब हो सकता है आपका, और कब तक जो है हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, और कब तक हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूंगा आपको, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये सही देखेगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आपको जून का मंथ तो गया। ठीक है, जून का मंथ गया, ये तो हटाई दीजिए। ठीक है, अब आ जाएगा जुलाई। ठीक है, क्या जाएगा, जुलाई आ जाएगा। जुलाई में 5 तारीख तक ये जो है एग्ज़ाम का जो है, फ्रेंड बता दूं मैं आपको, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स हो चाहिए भाई उनको। अब इसके जो जुलाई है, उस 10 जुलाई को लगभग 10 से 15 की बात करूं, ये आपको नोटिफिकेशन आएगा, बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक हो सकता है। ठीक है, ये आएगा, या फिर कन्फर्मेशन के लिए आ जाए कि भाई एग्ज़ाम जब होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम होगा जुलाई में कम से कम 20 तारीख से, 20 तारीख से होगा एग्ज़ाम होगा जुलाई 20 तारीख से। फ्रेंड ये लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम होगा आपका 20 तारीख के बाद का। ठीक है, और 4 दिन पहले सभी को पता है नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद उसमें टाइम मिल रहा है, हमें टाइम मिलेगा कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 महीने का। क्योंकि अभी अगर आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो विद इन फाइव डेज़ में, मतलब कि जुलाई 5 जुलाई तक एडमिट कार्ड आएगा और 7 से 8 तक आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाता। ठीक है,
ओके okay? तो फ्रेंड मतलब कितने दिन मिल रहा है, लगभग लगभग 20 ही दिन, मानिए 20 ही दिन हो गए, लगभग लगभग 20 दिन हमें मिल गए, और जिसका लेट होगा तो उसको टाइम ज़्यादा मिल गया, क्योंकि लगभग लगभग इसमें मैं मानूँ तो RRB NTPC के लिए कम से कम मिला ली जाए तो कम से कम होगा 80-90 शिफ्ट होंगी, 80-90 शिफ्ट होंगी, अगर 3-3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा तो ये आराम से 1-1.5 महीना जो है वो 1.9 यानी कि 90 दिन जो हैं ठीक है वो निकल जाएंगे, 90 दिन या बोले सॉरी 45 दिन बोले, 45 दिन तक एग्ज़ाम लगभग लगभग चलने वाला है। तो फ्रेंड्स 45 दिन लास्ट में जिसका होगा वो तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स इस प्रकार जिस मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और आप अगर देखें मेरी पिछली वीडियोज़ जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी RRE JEE में, एक एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आए थे पूरी एक वीडियो में से, मतलब एक वीक की वीडियो हम रहती है हमारी, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे कुछ, और मेरे एग्ज़ाम में भी 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले थे ठीक है ओके। और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं फ्रेंड्स रिपीटेड रहते हैं, तो फ्रेंड वो हम कराते हैं आपको। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, देन बेल का आइकन जोर दबाइएगा ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 10 बजे वाली वीडियो अटेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।